तो भाई हम कूलर चालू कर रहे थे, इन्होंने लगाया बिना वो प्लग का वो, और लाइट ही चले गई पूरे घर की। अरे बाप, सो के कैसे यार भाई? अब तो सोने का पत्ता भी कट हो गया यार, लाइट भी बंद हो गई। अब सो के कैसे यार? मैं तो पानी भर दूं उसमें, कूलर चलाएं गर्मी लगेगी। उन्होंने लाइट ही बंद करवा ली पूरी, प्लग डाला। ओए लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। अपने को अंदर देखते हैं क्या है। अंदर क्या आ गया भाई? पलंग तो है अंदर। अबे अंदर पंखा भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, कैसे सोएगा तू? अरे ना अंदर पंखा है ना, सो गए ना, पंखा कुछ है ही नहीं, है ना कूलर, सो गए कैसे आप लोग? कूलर चल ही रहा क्या मोहित? तो ये देखो खिड़की है, यहाँ मैं खड़ा हूँ और यहाँ एक और रूम है। भैया को और मारो, मैं भैया को और मारो थोड़ा वीडियो में। निकलो घर के बाहर, निकलो, निकलो बाहर, निकलो घर के बाहर। तो अभी दोपहर के बज गए 1:15 और मुझे लगी भूख। अब मैं नाश्ता खाऊंगा, देखते हैं किचन में क्या है नाश्ते में। ये तो सब्जी बन रही है, ये तो पोहे हैं जरा से, इसमें भी नहीं है, ये तो मठा है इधर, इसमें रोटी भी नहीं है, तो नाश्ता है किधर? मम्मी से पूछते हैं। मम्मी, मम्मी, मम्मी है किधर? अरे हो किधर आप? नाश्ता कहाँ है? नहीं नाश्ता। क्यों? नहीं बनाया, बाहर ही रहो, बाहर ही खाओ, पर क्यों भाई? सब नहीं मिलेगा ना खाना ना नाश्ता कुछ भी नहीं। पर क्यों नहीं मिलेगा ये तो बता दो भाई। नहीं मिलेगा, बाहर रहो, अपने दोस्तों के साथ रहो। अरे तो कल हमारे साथ मत आओ, घर पे मत रहो, बाहर जाओ। नाश्ता है ना खाना है कुछ भी नहीं है। खाना भी नहीं दोगी? नाश्ता भी दी, खाना बना तो रही हो, किसके लिए बना रही हो? पापा वही, मैं 2 दिन से बाहर हूँ, आप वीडियो में देख रहे हो। और अरे यार तो भाई अब पार्टी कर रहे थे ना भाई दोस्तों के साथ, पार्टी क्या बैठे एंजॉय कर रहे थे और क्या? दोस्तों के साथ खाने की कोई लाइन नहीं है, होटल भी बंद पड़े हैं, पैसे भी नहीं है इतने, 1-2 दिन खा लूंगा बाकी का खाऊंगा। तो आपको मिला नाश्ता? आपको भी मिला नाश्ता? आप तो घर पे थे। तुम लोग की सजा मुझे मिल रही है। तो भाई मम्मी हड़ताल पे है, अब खाना नहीं मिलेगा। मैं 2 दिन से बाहर हूँ, भाई भी कल साथ में था और गौरव भाई भी अपने पट गया, तीनों को खाना नहीं मिलेगा। पापा को भी नहीं दिलवाऊंगा, पापा को भी नहीं मिलेगा आज। मम्मी हड़ताल पर बैठेगी। मम्मी दे दो यार प्लीज, चलो ये थोड़ा सा ही दे दो बस, यही खा लेंगे हम लोग, थोड़े ये पा दो बस, थोड़े से हम 4 घंटे खा लेंगे। खाना नहीं देना है मत दो, आप देखते अभी कब तक नहीं दोगे आप, हम भी देखते हैं आप भी कब तक नहीं दोगे भाई। आज थोड़ी जाएंगे, आज घर पर रहेंगे आप, फिर 3-4 दिन बाद जाएंगे, 3-4 दिन बाद चलो ठीक है भाई। चलो अब जो भी ये खाते हैं फिर देखते हैं दोपहर में। तुम क्या कर रहे हो? आओ। तो भाई मुझे लगी है भूख और शायद मम्मी ने खाना नहीं बनाया यार, देखते हैं। अरे है खाना तो है भाई लोग, ये देखो, ये देखो, ये ऐसे मैं समझ गया कि ये 5-6 काट के रखे हैं। वाह, मेरे को पता था मम्मी खाना मेरे को देगी चाहे कुछ भी हो जाए। और ये क्या है? पेड़ा। इसको फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा होके खाएंगे ना भाई, गर्म बेकार लगता है, इसको फ्रिज में रख देते हैं। गरम किया, बाकी मठा भी है, आम तो मैं खाऊंगा नहीं, रात में ही खाऊंगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो जो कल पार्टी कर रहे थे ना, तो पापा को पता पड़ गया और पापा को ऑफिस से फ़ोन आ गया कि हम लोग आपके लड़के लोग ने बहुत उड़झंग मचाया और पापा को बहुत सुनाया उन लोगों ने। तो मेरे पापा ने भाई को मारा भी, मेरे को नहीं मारा, क्योंकि भाई का नाम आया तो मैंने अपने भाई को फंसा दिया कि पापा यही मुझे लेके गया, क्योंकि वो बड़ा भाई है। तो पापा ने भाई की भी लंका लगा दी, मुझे तो बस सुनाया और भाई को मारा भी, डंडे से मैं बच गया, मैं अंदर घुस गया था। और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, पर यार पापा को सुनाया गलत हुआ, बट डोंट वरी, अपन पापा को बहुत जल्दी बहुत तगड़ा वाला प्राउड फील कराएंगे। मतलब मैंने ना अपने पापा की बेइज्जती कराई हर बार, स्कूल में, ट्यूशन में, स्टेडियम में, हर जगह पे, मतलब हर जगह पे पापा को प्रिंसिपल फोन में लगाया स्कूल लाइफ में, बट यार अब वो नहीं रहा, अब मुझे कुछ प्राउड फील कराना है और मैं कराऊंगा। बट कल हम लोग से गलती होगी, हम लोग ने बहुत 33 गाने सुने, बगल में पेशेंट था, उन्होंने वीडियो बना ली हमारी, मतलब बहुत कुछ हुआ यार कल।
मतलब कल का आप लोग को मैंने दिखाया नहीं ब्लॉग में, पर मैं क्या इतना दिखा नहीं सकता भाई क्योंकि कुछ प्राइवेसी भी होती है, बट मेरे घर वाले भी ब्लॉग देखते हैं यार, क्या है कि मेरी फैमिली भी ब्लॉग देखती है, मेरे बड़े पापा भी देखते हैं गाँव में, तो इसलिए मैं दिखा नहीं सकता। अगर कोई दिक्कत नहीं होती तो मैं आपको दिखा। क्या कहना चाहेंगे, आपने कल लंका लगवाई अपनी, सब सॉर्ट आउट कर लिए तुम्हारे भाई ने? कुछ नहीं किया मैंने तो भाई भी फंसा दी, ये आप भी जाओगे इधर थाने भी। अपना चल रहा है थोड़ा स्नैक्स, और ये मेरे को भूख लगी थी तो मैं खाना मम्मी से पास्ता बनवा लिए, और सब्जी भी दो रोटी में खा रहा हूँ, दोपहर की भूख लग रही है बता नहीं क्यों। और भाई मैं आज कहीं गया ही नहीं क्योंकि आपको पता है ना कल कांड हो गया था, तो मम्मी ने आज मारा भी और पापा ने भी बहुत चिल्लाया, उनको पता पड़ गया, तो इसलिए अब मैं बाहर ही नहीं गया, और गाड़ी भी नहीं थी मेरे पास, बम्बल भी ले गए थे, और वो माई स्टोर वो एक्टिवा ख़राब पड़ी हुई है, तो इसलिए मैं गया ही नहीं। आज मैच देखूँगा, खाना खाऊंगा, सॉरी आज आप लोग को ज़्यादा मैं हंसा नहीं पाया, ज़्यादा अच्छा कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं घर पर ही बैठा रहा। लॉकडाउन खुलेगा डेफिनेटली हंसाऊंगा, बट अभी मैं खाऊंगा अपने पास्ता दिल की और दोपहर का ये, और मैच देखूंगा, और थोड़ा बहुत एक आध हज़ार कमाने की लाइन भी कर लूँगा भाई, थोड़ा बहुत लगा लूँगा एक आध दो हज़ार की आने की लाइन हो जाए ताकि खर्चा भाई निकल जाए एटलीस्ट। क्यों, खाना मिल गया ना, अब क्यों बैठी हो इधर, चलो जाओ, चलो बच्चे के पास जाओ, अपने दूध पिलाओ उन्हें, जाओ बाय बाय। तो भाई ये आई थी खाना खाने, तो खाना खिला दिया और बैठ गई, अब चली गई, और मैंने भी खाना खा लिया, और टाइम हो गया है 10:45 और मैच चल रहा है। जैसे सीधा मैच है, पंजाब जीत रही है आज, वो भी आराम से 8-9 विकेट से जीतेगी। मैच में मज़ा नहीं आ रहा भाई, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, पूरे फिक्सिंग मैच लग रहे हैं और सेशन भी पास नहीं हो पा रहा है, मतलब पूरा गड़बड़ कर रखा है थटोरियों ने। कहा जा रहा है ओए कुछ अपने आप आ गया वो अंदर भगते हुए, लस्सी पिला रहा है उसको, खाल पी ले बेटा पी ले, ओ झंडू ओए डरपोक डर गया, ओ झंडू डर रहा है वो भाई, को डर रहा है वो जान दो ना उसको ओ झंडू पागल हो जाओ बेटा, जाओ झंडू जाओ, चलो जाओ झंडू, झंडू जाओ, चलो भगो